बेहद स्वागत है जी, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही खास प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन से जसमीत भाटिया जी की टीम से अनीता भंडराल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। और मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, आमतौर पर मैं स्टूडेंट्स को नहीं कहता कि वो वीडियो को शेयर करें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन को आगे उसको शेयर करके उनका भी बेनिफिट कर सकते हैं। टॉपिक है कि कनाडा में रिफ्यूज़ल। अब बड़ी साधारण सी बात है, कनाडा कई रीजंस के कारण रिफ्यूज़ल्स देता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रोविंस के हिसाब से भी रिफ्यूज़ल कम या ज़्यादा होते हैं। मतलब हो सकता है कि किसी टाइम टोरंटो में ज़्यादा रिफ्यूज़ल आए और वैंकूवर में सक्सेस रेट ज़्यादा हो, यह भी हो सकता है किसी टाइम किसी प्रोविंस में, किसी और प्रोविंस में हम कहें, वहां पर रिफ्यूज़ल ज़्यादा आए और टोरंटो में सक्सेस रेट ज़्यादा हो। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है ये समझेंगे आज, और हमें अनीता जी समझाएंगे इसके बारे में विस्तार से। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनीता जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप पूरा इसको एक्सप्लेन करें 5-6-7 मिनट में कि क्या प्रोविंस के हिसाब से भी रिफ्यूज़ल कम ज़्यादा आ रहे हैं, होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर। सर हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम लोग सब बात करते हैं कि कनाडा में रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को पता ही नहीं है कि उसके पीछे रीज़न क्या है। सो अगर कंसल्टेंट से बात करते हैं तो उनकी तरफ से यही जवाब होता है, कोई बात नहीं, कनाडा में तो कई बार वैसे भी रिफ्यूज़ल आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, देयर इज़ सम रीजंस कि कनाडा में रिफ्यूज़ल्स के क्या रीज़न है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कनेडियन एजुकेशन के हिसाब से 60% इज़ कंसीडर्ड एज द एवरेज परसेंटेज। सो अगर आपके 60% है तो वो आपको कंसीडर होगी एज एन एवरेज परसेंट। तो पहला तो ये चीज़ है, अगर आपकी प्रोफाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मार्क्स देखने होंगे, आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना, अगर आप अभी परसुइंग 12th है, परसुइंग ग्रेजुएशन है, आपको कितना एम करना है। दूसरी चीज़ है, अभी जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया को लेके, यस इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो वैंकूवर में जो रिफ्यूज़ल रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ओंटारियो में थोड़ा सा कम है। उसका मेन रीज़न ये है कि वैंकूवर में जितने भी कोर्सेज हैं, या ब्रिटिश कोलंबिया में हम कह सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में जितने भी कोर्सेज हैं वो अकेडमिकली फोकस्ड कोर्सेज हैं, और ओंटारियो में जितने भी कोर्सेज हैं वो टेक्निकल फोकस्ड कोर्सेज हैं। अब एकेडमिकली फोकस्ड क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते होंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया में आपको कोर्सेज मिलेंगे यूटीपी आर्ट्स, यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम आर्ट्स, यूटीपी बिजनेस, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस, मे बी कहीं पे आपको डिप्लोमा इन बिजनेस होगा। लेकिन अगर आपको ब्रिटिश कोलंबिया में देखोगे तो मैकेनिकल टेक्नीशियन का कोर्स बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर का कोर्स आपको रेयर मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉलेज में एक या दो कॉलेजेस में हो सकता है, लेकिन आपको मेनली जो कोर्सेज हैं वो यूटीपी आर्ट्स एंड एसोसिएट ऑफ आर्ट्स मिलेंगे। अब नाउ व्हाट इज यूटीपी आर्ट्स? यूटीपी आर्ट्स है यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम इन आर्ट्स, यानी कि एज पर द कनेडियन एजुकेशन सिस्टम आप 2 साल का प्रोग्राम कनाडा में करोगे एंड उसके बाद आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पूरा करोगे। जैसे ही आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पीआर के लिए फाइल करते हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज पहले ही डिसाइडेड होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल स्टडी इन साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या कैपिलानो यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो थर्ड ईयर में ट्रांसफर होगा ये वो एक स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी में होगा। और अगर मैं अकेडमिकली बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी की जो परसेंटेज है वो 65% से स्टार्ट होती है। सो यही एक रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम में अकेडमिकली परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब वट इफ अगर आप अप्लाई करते हैं आपके 50% है एंड आपने यूटीपी प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया, तो अगेन वीज़ा के रिफ्यूज़ल के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। सेम वही एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री में भी आपका बेसिकली यही होता है कि आपका प्रोग्राम होता है, आपने 2 साल प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किया, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हो। अगेन ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है डिग्री के लिए, बट जहां पे हम डिग्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, हाई कमीशन ने ये देखना है कि किसी स्टूडेंट ने यूटीपी आर्ट्स या एसोसिएट ऑफ आर्ट्स ऐसी कोई भी प्रोग्राम किया है तो बाद में उसका जो विजन है वो बैचलर डिग्री का ही करने का है।
तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे, अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो टेक्निकल कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे आपको, स्पेशलाइजेशन मिलेगी आपको, वैरायटी ऑफ द कोर्सेज मिलेंगी आपको। तो अगर यहाँ पे कहीं पे आपके एकेडमिकली लेस हो, किसी एक सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो, तो आप ओंटारियो प्रोविंस को चूज करें। ऑब्जर्व, ये एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी खुद की भी ऑब्जर्वेशन है एंड मार्केट रिसर्च भी यही बताती है कि जो वीज़ाज हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया के कंपैरेटिवली ओंटारियो में ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपकी कोई वीक प्रोफाइल है, यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े कम स्कोर करते हैं, तो यू टेक द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में ही एक चीज़ और आती है कि हम लोग बात करते हैं कि हमने, चलो ठीक है, हमारी परसेंटेज भी सही है, हमारा आईएलटीएस स्कोर भी सही है, बट अगेन यू नो रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर वीज़ा। अगर आपका कोर्स सही नहीं था तो अगेन दैट कैन बी अ कॉज ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। एक चीज़ इसमें और आती है, मैं और इस चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कुछ कॉलेजेस में ना, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की मैं बात करूँ तो कॉलेजेस की एंट्री रिक्वायरमेंट होती है 6 ईच। अब हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज है वो 6 ईच में ऑफर लेटर दे रहा है तो हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वेर इन मैक्सिमम 10% कॉलेजेस हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 6 ईच के साथ देते हैं, 90% जो कॉलेजेस हैं वो आपको 6.5 नॉट लेस देन 6 में देते हैं। तो जब भी आप 6 ईच वाला कॉलेज पिक कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कैनेडोर की रिक्वायरमेंट 6 ईच है, सेंट क्लियर की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच है, अल्गोमा यूनिवर्सिटी में आप 6 ईच के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं विथ 6 ईच गोइंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन आपको अपना जो कोर्स है वो बहुत सोच समझ के आपको सेलेक्ट करना है। सो अगर यही चीज़ है, ये बहुत सारी क्वेरीज होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, समझ नहीं आता कौन सा कोर्स है, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, तो वी हैव ब्रांचेज यू नो इन ऑल ओवर द पंजाब, आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर कॉल करके 9041390412 पर कॉल करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अनीता जी ने क्लियर की है, और आप पर्सनली मिलिए, पूरी क्लैरिटी, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करो। आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9041390412, आप ईमेल कर सकते हो info@landmarkimmigration.com, आप अपॉइंटमेंट बनाइए, आप जसमीत जी से भी मिलिए, अनीता जी से भी मिलिए, और अपनी कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करिए और उसके बाद ही आप डिसाइड करिए। अनीता जी, रिफ्यूज़ल के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता रीअप्लाई करने का? जी हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन अगर आपका है रिफ्यूज़ल के लिए, या फिर अगर आपका केस वीक केस है आपका, तो मेरी सिर्फ एक सजेशन है कि अर्ली लॉन्चमेंट में वीज़ा फाइल कीजिए। जैसे कि आज मैं बैठी हूँ दिसंबर में, ठीक है, एंड मुझे, मैं आपको बोलती हूँ कि चलो ठीक है आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कीजिए। एज पर यू, आपकी दुनिया में आपको लगेगा कि अरे अभी तो 9 महीने, अभी हम अप्लाई करके क्या कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी वीक प्रोफाइल है, आपके आईएलटीएस में 6 ईच है, या किसी एक अकेडमिक में थोड़े से स्कोर कम है, तो दिस इज रिकमेंडेड कि आप अर्ली लॉजमेंट में अपनी एप्लीकेशन लगाएं। अब अर्ली लॉजमेंट में हर चीज़, पूरा प्रोसेस आपका अर्ली होता है, यानी कि यू हैव टू अप्लाई योर एप्लीकेशन राइट अवे। जैसे ही ऑफर लेटर आता है, यू जस्ट यू नो अपने जितने फंड्स हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर रखें एंड ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवाएं, और जैसे ही आपका डिपॉजिट हो जाए तो विद इन 1 or 2 मंथ में आप वीज़ा फाइल अपनी लॉज कर दें, सो दैट आप हाई कमीशन को नाना करते हुए भी 4 से 5 महीने दे रहे हो डिसीजन के लिए। उससे आपका पहला फ़ायदा तो ये होगा, अर्ली लॉजमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया है कि वीज़ा डिसीजन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खुदा ना खास्ता अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ भी जाती है तो कंसल्टेंट के पास या आपके पास एक विंडो मिल जाती है उसी फाइल को दोबारा से रीलॉज करने की, बिकॉज इस टाइम पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं कि मैम मैंने वीज़ा एप्लीकेशन तो हाई कमीशन में लगा दी है, लेकिन मेरी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन चली गई है, मुझे अभी वीज़ा अपलोड करना है उसकी डेडलाइन चली गई, अब मैं क्या करूँ? तो फिर कॉलेजेस नहीं एंटरटेन करते हैं, कई बार लोग बोल देते हैं कि चलो हम मंगवा देते हैं एक्सटेंशन, हम आपका जो ऑफर लेटर है वो थोड़े और दिनों की उनसे टाइम मोहलत मांग लेते हैं, बट ऐसा अगर मैं बोलूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है 10% होता है। तो इससे अच्छा तो यही है हम पहले से ही अपना सेफर साइड लेके चलें, जहां पे हमने
जहां पे हमने एप्लीकेशन अपनी 2-3 महीने के बाद लगानी है, वही एप्लीकेशन को हम अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि जितनी जल्दी आप रिफ्यूजल के लिए अप्लाई करेंगे आपको बेनिफिट रहेंगे। थैंक यू सो मच अनिता। थैंक यू सो मच सर।